मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एल डोराडो पुस्तक के लेखक आनंद इगलानी, जो KGF चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी सुनाने के बाद अचानक उन्हें रात को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब KGF चैप्टर 2 की स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे विजेंद्र इगलानी करते हैं। अब KGF चैप्टर 2 की कहानी 1978 से शुरू होती है, जब KGF में गरुड़ा को रॉकी ने मार दिया होता है। गरुड़ा को मारने के बाद अब रॉकी KGF का किंग बन जाता है और उसे संभालने लगता है। जिन लोगों ने रॉकी को गरुड़ा को मारने भेजा होता है, उन्होंने भी KGF पे राज करने के सपने देखे होते हैं। उन सबको ये लगता है कि गरुड़ा के मरने के बाद अब उसका उत्तराधिकारी विराट ही KGF को संभालेगा और एक दिन वो विराट को मार के खुद KGF संभाल लेंगे। लेकिन उन्हें पता चलता है कि रॉकी ने विराट को भी मार डाला है और अब पूरे KGF को रॉकी संभालता है, वही KGF का किंग है। लेकिन तभी रॉकी एक मीटिंग के दौरान कमल को मार देता है और रीना को जबरदस्ती अपने साथ लेके KGF चला जाता है। रॉकी ने गरुड़ा को तो मार दिया होता है, लेकिन जो KGF की सिक्योरिटी संभालता है वानाराम, उसे छोड़ दिया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वानाराम KGF की बहुत अच्छी सिक्योरिटी कर सकता है। अब रॉकी वानाराम को कहता है कि तुम अब मेरे लिए काम करो और मेरे लोगों को ट्रेंड करो, और वानाराम इसके लिए रेडी हो जाता है। रॉकी को पता चलता है कि KGF में सिर्फ एक ही खान नहीं बल्कि ऐसी 9 और खाने हैं जिसमें से सोना निकलता है। वो उन सारी खानों को वापस से ओपन कर लेता है और उसमें से काम चलना शुरू हो जाता है। रॉकी का टारगेट होता है कि वो सारा का सारा सोना 2 सालों के अंदर निकालना चाहता होता है। लेकिन तभी CBI को भी KGF के बारे में पता चल जाता है कि कैसे कोई बाहर का आदमी बिना राजनीतिक कनेक्शन के KGF को संभाल रहा है। तभी कुछ नेता लोग चाहते हैं कि रमिका सेन की पार्टी जीत जाए और वो पावर में आ जाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वही एक इकलौती ऐसी नेता है जो KGF को जड़ से मिटा सकती है। तभी पता चलता है कि गरुड़ा के चाचा, जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया होता है, वो फिर से सामने आते और KGF के लिए अपना दावा पेश करते हैं। लेकिन तभी अधीरा KGF की एक चेक पोस्ट पे हमला करता है और वहाँ पे सारे लोगों को मार डालता है। रॉकी को KGF से बाहर निकालने के लिए वह लोग अपने ही एक पार्टनर को मार डालते हैं। वह उस पार्टनर को मारते हैं जिसकी बेटी रीना होती है। उन्हें पता होता है कि रीना यह खबर सुन के KGF से बाहर निकलेगी और उसके पीछे पीछे रॉकी भी KGF से बाहर निकलेगा, लेकिन तभी हम रॉकी को वहां पर मार सकते हैं। लेकिन रॉकी रीना को तो बचा लेता है, लेकिन अधीरा रॉकी को गोली मार देता है जिससे रॉकी घायल हो जाता है। लेकिन अधीरा रॉकी को जिंदा छोड़ देता है। वह KGF के लोगों को एक संदेश देना चाहता होता है कि अब रॉकी का राज खत्म हो गया और अधीरा का राज खत्म शुरू होगा। लेकिन रॉकी धीरे धीरे ठीक हो जाता है और उसे पता चलता है कि अब कोई KGF से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अधीरा के लोगों ने KGF को चारों तरफ से घेर रखा होता है और खाना पीना भी रोक दिया होता है। लेकिन तभी रॉकी को पता चलता है कि उसके मुंबई के पूर्व मालिक शेट्टी ने पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे कब्जा कर लिया होता है और दुबई के एक सोने के बहुत खूंखार व्यापारी इनायत खलील के साथ बॉन्डिंग कर ली होती है। लेकिन तभी घायल रॉकी KGF से हेलीकॉप्टर में बैठ के दुबई चला जाता है इनायत खलील से सौदा करने के लिए। लेकिन इनायत खलील उसे मना कर देता है, क्योंकि उसने पहले से ही शेट्टी के साथ सौदा कर लिया होता है। इसके बदले में रॉकी के आदमी पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी खलील और शेट्टी के लोग होते हैं, उन सबको मार डालते और पूरे ईस्टर्न कोस्ट को फिर से अपने कब्जे में ले ले, जिससे मजबूर होकर इनायत खलील को रॉकी के साथ सौदा करना पड़ता है। वह इनायत खलील से सोने के बदले मशीन गन और बहुत सारे गोला बारूद खरीदता है। जब ट्रक्स KGF से निकल के गोल्ड रिफाइनरी की तरफ जा रहे होते हैं, तब रास्ते में अधीरा के लोग उन पे हमला कर देते हैं। तभी रॉकी और उसके लोग नए हथियारों से, यानी मशीन गन और गोला बारूद से, अधीरा के लोगों पे हमला कर देते हैं और उन सबको मार डालते हैं। इस बीच अधीरा को भी गोली लग जाती है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। लेकिन रॉकी अधीरा की जान बख्श देता है और उसे कहता है कि अब तुम KGF से दूर रहोगे। लेकिन तभी रॉकी मुंबई जाता है और वहां पर अपने पूर्व मालिक शेट्टी को मार डालता है। अब मूवी की कहानी 1981 से स्टार्ट होती है। रमिका सेन चुनाव जीत जाती है और देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। उसे CBI द्वारा KGF और रॉकी के बारे में पता चल जाता है। वह सारे स्टेट की बॉर्डर को सील करने और रॉकी के सारे गोदामों में छापा मारने का ऑर्डर दे देती है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर KGF के अंदर पकड़ा जाता है। वह और क नहीं बल्कि आनंद इंगलानी ही होते हैं। रॉकी उसे मारने की बजाय छोड़ देता है और कहता है कि तुम बस वही लिखना जो सच है और जो तुमने अपनी आंखों से देखा है। जब रॉकी के एक गोदाम में छापे के दौरान CBI को बस एक सिंगल सोने का बिस्किट मिलता है और वह उसे लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। लेकिन तभी रॉकी वहां आ जाता है वो सोने का बिस्किट लेने, और बिस्किट लेने के बाद वह मशीन गन से पूरे पुलिस स्टेशन और उनकी गाड़ियों को बर्बाद कर देता है। तभी
सीबीआई को ये बात पता चलती है कि बस उसने एक सिंगल बिस्किट के टुकड़े के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को बर्बाद कर दिया। अगर हम उसके गोदाम का सारा सोना पकड़ लेते तो वो पूरे बेंगलोर शहर को जला के राख कर देता। लेकिन तभी रोकी केजीएफ से सारे सोने के एक्सपोर्ट को रोक देता है और उन्हें गोदामों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिससे मार्केट में और सब जगह बहुत टेंशन बढ़ जाती है। इसलिए रोकी का ही एक पार्टनर एंड्रयूज अदीरा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम रोकी को मार डालो। और केजीएफ में घुसने के लिए अदीरा को एक तीसरा गुप्त रास्ता बताया जाता है कि वह सीधा केजीएफ के अंदर निकलेगा। जब रोकी केजीएफ में सख्त होकर अपने मजदूरों को काम न रोकने के लिए कहता है और इससे कासिम भड़क जाता है, वह कहता है कि तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बन गए हो जो इन गरीब लोगों पे अत्याचार करते हैं। मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या करोगे इतने सारे सोने का। फिर रोकी बताता है कि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि वह एक दिन दुनिया का सारा सोना लाके उसे देगा। तभी रोकी और उसके लोग उसकी माँ की कब्र को निकाल के केजीएफ के पास में ले आते हैं और उसे वहीं पे दफना देते हैं और उस कब्र की साफ सफाई और देखरेख करने के लिए वह एक आदमी रखते हैं। वह आदमी और कोई नहीं होता बल्कि रोकी का पिता होता है। वह एक शराबी होता है और उसने उसकी माँ को बहुत पहले ही छोड़ दिया होता है। इसलिए रोकी ये चाहता है कि उसके पिता ने कभी जीते जी तो अपनी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा, लेकिन मरने के बाद कम से कम मरते वक्त उसकी कब्र का तो ख्याल रखेंगे। लेकिन तभी रोकी पीएमओ ऑफिस चला जाता है रमिका सेन से मिलने के लिए। वह रमिका सेन को एक फाइल देता है जिसमें वह किन लोगों को सोना देता है उसकी सारी मनी लॉन्ड्रिंग की डिटेल होती है। लेकिन तभी रमिका सेन की पार्टी के लोग ही उसे यह फाइल लेने के लिए मना करते हैं। तभी वह कहते हैं कि हमारी पार्टी का सारा फंड रोकी ही देता है और हमारी पार्टी के लगभग 200 से ज्यादा लोगों को पैसे रोकी ही देता है। लेकिन तभी रमिका सेन रोकी को वार्निंग देती है कि मैं तुम्हारी केजीएफ बर्बाद कर दूंगी और उसे तुमसे छीन लूंगी। दूसरी तरफ अदीरा और एंड्रयूज अपने आदमियों के साथ केजीएफ में घुस जाते हैं तीसरे रास्ते से। वह रोकी के सारे लोगों पे हमला कर देते और धीरे धीरे उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन तभी रीना रोकी को यह बताती है कि वह माँ बनने वाली है। जैसे ही वह यह खबर सुनाती है दूर से अदीरा उसे गोली मार देता है और वहीं पर रीना की डेथ हो जाती है। तभी रोकी और अदीरा के लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। शुरू में अदीरा रोकी को घायल कर देता है लेकिन लास्ट में रोकी अदीरा पे हावी हो जाता है और वह अदीरा को मार डालता है और वानाराम एंड्रयूज को मार डालता है। तभी रोकी और उसके लोग देश की संसद पे कब्जा कर लेते हैं और रोकी देश की संसद में घुस जाता है। वह रमिका सेन के सामने ही गुरु पांडियन को संसद में गोलियों से मार डालता है। गुरु पांडियन रोकी का ही एक पार्टनर होता है लेकिन गुरु पांडियन ही वह मास्टर माइंड है जिसने केजीएफ में सारी मुसीबतें खड़ी की। गुरु पांडियन ने ही गरुड़ा पे नकली हमला करवाया होता है और कहता है कि यह अदीरा ने किया, जिससे गरुड़ा फिर से अदीरा पे हमला कर देता है और वह अदीरा को पहले ही इस हमले की खबर देकर बचा लेता है, क्योंकि इसकी वजह से गरुड़ा और अदीरा के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं। उसने ही गरुड़ा को मारने के लिए मुंबई से एक शूटर यानी रोकी को बुलाया होता है। लेकिन तभी रमिका सेन गुरु पांडियन को मारने के लिए रोकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर देती है और पूरे केजीएफ को बर्बाद करने का ऑर्डर दे देती है। तभी रोकी अपने सारे लोगों को केजीएफ खाली करने का हुक्म देता है, जिससे सारे लोग केजीएफ से निकल जाते हैं और रोकी केजीएफ के सारे सोने को अपने साथ एक जहाज में लेके हिंद महासागर में चला जाता है। लेकिन तभी उसे वहां पर इंडियन नेवी मिलती है। वह उसे रुकने के लिए कहती है, उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन वह उनकी नहीं सुनता। लेकिन तभी इंडियन नेवी उस पर अटैक कर देती है मिसाइलों से, जिससे रोकी मारा जाता है और उसका सारा सोना उसी के साथ समुद्र में डूब जाता है। उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि जब वह मरेगा तब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के मरेगा। तभी वह अपने सारे सोने के साथ दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है और वह उसी के साथ मर जाता है। और तभी एयरफोर्स केजीएफ के ऊपर हमला कर देती है, जिससे सारा केजीएफ बर्बाद हो जाता है। भारत सरकार आज तक कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी रोकी और केजीएफ के सोने के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई होती है। रोकी ने मरने से पहले ही अपने सारे केजीएफ के सारे लोगों के लिए कॉलोनी बनाई होती है। तभी उसी टाइम लेखक आनंद इंगलानी ने केजीएफ यानी रोकी के ऊपर किताब लिखने के बारे में सोची होती है और उसे उस किताब में एक मॉन्स्टर बताया गया होता है जो अपनी माँ के वादे के लिए रहता है पूरी जिंदगी भर। एक सीन में यह भी दिखाया जाता है कि 3 महीने पहले रोकी ने यूएसए और अन्य कई देशों में किए गए अपराधों की एक लिस्ट रमिका सेन को सौंपी होती है और इन सभी अपराधों के लिए रोकी को इंटरनेशनल भगोड़ा घोषित किया गया था। वह सिर्फ भारतीय वायुसेना से नहीं बल्कि यूएसए और अन्य कई देश की सेनाओं से भाग रहा होता है। और मूवी की लास्ट में जो चपड़ासी पूरी केजीएफ की स्टोरी सुन रहा हो उसे लास्ट में केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में पता चलता है। और इसी के साथ हमारे मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।